हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेट टू नेक्स्ट। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ले चल रहा हूँ दादर। वहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ रेस्टोरेंट जो कि फेमस है अपने सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए चलते हैं और टेस्ट करते हैं ब्रेकफास्ट जो है ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन। लेट्स गो। महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो दादर में सबसे पहले नाम आता है प्रकाश का। वैसे तो प्रकाश की मेनू लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ जो भी आता है वो सबसे पहले इन तीन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करता है। वो है साबुदाना वड़ा, कोथिंबीर की वड़ी और थाली पीठ। लोकेशन की बात की जाए तो दादर रेलवे स्टेशन के वेस्ट से बिल्कुल 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर शिवसेना भवन के बिल्कुल पास प्रकाश पिछले 50 सालों से लोगों को एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट खिला रहे हैं। और क्योंकि ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है, इसलिए टेबल के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। वॉल पे लगी पेंटिंग और प्रकाश का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि मैंने बताया कि साबुदाना वड़ा यहाँ का फेमस है, इसलिए इसका ऑर्डर हमेशा रेडी रहता है। हमने भी बिना मेनू पढ़े साबुदाना वड़ा, कोथिंबीर की वड़ी और थाली पीठ ऑर्डर की। साबुदाना वड़ा दिखने में जितना टेस्टी दिख रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा वो खाने में टेस्टी था। और मेरे साथ इस फूड को एंजॉय किया राहुल ने, और राहुल को भी वो बहुत पसंद आया, और साथ ही साथ मेरे दोस्त चिराग ने भी इसे एंजॉय किया। थाली पीठ तो वैसे मैंने पहले भी खाई है, लेकिन यहाँ के थाली पीठ के बारे में काफ़ी सुना था। यहाँ की थाली पीठ काफ़ी टेस्टी है, और ये 7-8 अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग दालों से बनाई जाती है। खाने में थोड़ी सी हेवी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। और इसके साथ सर्व की जाती है दही, जिसमें होते हैं थोड़े से स्पाइसेस। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो थी कोथिंबीर की वड़ी, जो मैंने इसके पहले कभी टेस्ट नहीं की थी। बहुत ही टेस्टी थी। हमने यहाँ के फूड को काफ़ी इन्जॉय किया, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप कभी दादर आते हो तो ज़रूर प्रकाश आए और यहाँ की डिशेस ट्राई करें। वैसे तो दादर में कई सारे रेस्टोरेंट हैं जो आपको ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड खिलाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है, और उसी में से एक रेस्टोरेंट है आस्वाद। ये इतना मशहूर है कि मुंबई या फिर कई और दूर दूर से भी लोग यहाँ खाने आते हैं, और इनकी स्पेशलिटी है मिसल। वैसे तो आस्वाद की भी कोथिंबीर वड़ी, साबुदाना वड़ा और थाली पीठ काफ़ी मशहूर है, लेकिन इसे हम ऑलरेडी टेस्ट किए थे प्रकाश में, इसलिए हम यहाँ स्पेशली आए इसकी मिसल खाने के लिए। और हाल ही में आस्वाद ने खुद को रिनोवेट किया है, और रिनोवेशन के बाद इसका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। एम्बियंस के लिए मैं इसे 5 out of 5 star दूंगा, ये एक्सीलेंट है। मिसल पाव के साथ हमने यहाँ खरबस और पीयूष भी ऑर्डर किया। सबसे पहले बात करते हैं इनके सबसे फेमस डिश मिसल पाव की। मिसल में हल्का सा स्पाइसनेस जरूर था, लेकिन ये स्पाइसी नहीं थी। इसके अंदर डाला हुआ फरसान बहुत ही फ्रेश था। ओवरऑल मिसल मुझे ठीक लगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नासिक की मिसल महाराष्ट्र की सबसे फेमस मिसल है। अगर आप इस मिसल को उस मिसल से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर जानेंगे कि वो झटका, वो स्पाइसीनेस यहाँ मिस हो रहा है। नेक्स्ट डिश जो मैंने यहाँ ट्राई की वो थी खरबस, यानी मिल्क पुड़ी। जैसे आप जानते हैं कि खरबस ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और इसमें ढेर सारे न्यूट्रिशन होते हैं। दिखने में जितना खूबसूरत दिख रहा है, उतना ही खाने में टेस्टी था। मुझे खरबस बहुत पसंद आया। ड्रिंक में हमने पीयूष ट्राई किया, जिसका स्वाद श्रीखंड जैसा है। ये ड्रिंक राहुल के लिए तो नहीं थी, लेकिन एक बार टेस्ट करने के बाद राहुल को ये इतनी पसंद आई कि उसने पूरा के पूरा पी डाला।
पीयूष काफ़ी टेस्टी थी। अगर आप कभी आस्वाद आते हो तो इन डिशेस के अलावा क्लासिक महाराष्ट्रियन डिशेस ज़रूर ट्राई करें, और आस्वाद का फेमस वड़ा पाव और साथ ही साथ इनकी पूरनपोड़ी आइसक्रीम भी ज़रूर ट्राई करें। हमने तो इसे इस बार मिस किया, लेकिन हम अगले बार इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नई जगह पर नए फूड के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वेयर टू नेक्स्ट को।